पूरे खानदान में कि भी हमारा भाई एक्टर है, एक्टर है। तो पहले सबकी खिलाफत थी, बाद में सबका प्यार हो गया। अच्छा आप मुझे बॉम्बे जब आए तो आप यहाँ पे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो जब यहाँ पे कोई था नहीं तो आपको भी क्या वो सब चीजों से गुजरना पड़ा, खाना बनाना, एक कमरे में रहना, बसों में चलना, पैदल चलना, कभी भूखे रहना। वो तो करना पड़ा, उसके अलावा चारा था नहीं, क्योंकि भाई सर्वाइवल भी करना है, पैसा कमाना है, स्ट्रगल भी करना है। ऐसा नहीं था कि भी लाखों रुपए लेके हम बंबई आ गए थे। दिल्ली में भी जो है, मतलब जो भी मैंने पढ़ाई की, जो भी कुछ किया आफ्टर ग्रेजुएशन, वो सब अपने ही पैसे से किया। क्योंकि जब मैं 11th में था तो मेरे बड़े भाई ने अपना काम शुरू किया था, स्क्रीन प्रिंटिंग और सिनेमा स्लाइड्स बनाने का। तो वो मैंने उनसे सीखा, सीख के मैं उनके साथ काम करता था, वो मुझे पैसे देते थे, और जो भी देते थे उसमें वो बंडी हाउस जाना आना और अपना थिएटर में लग जाता। श्रीराम रिपेक्ट्री से, जो रिपेक्ट्री से पैसे मिलते थे, एनएसडी स्कूल से हमको स्टाइपेंड मिलता था। वहां पे फीस तो ली नहीं जाती, वो तो गवर्नमेंट पैसा देती है, पढ़ने का पैसा देती है, वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फिर एनएसडी रिपेक्ट्री में भी पैसा कमा रहे थे। तो फिर ऐसे करते करते कुछ पैसा लेके हम बॉम्बे, और सैलरी उतनी थी नहीं कि भी जैसे 4,000 रुपये एनएसडी रिपेक्ट्री की सैलरी थी, और स्कॉलरशिप से 200 रुपये, अब कभी 50 रुपये बच जाते थे। 300-400 रुपये, 500 रुपये की स्कॉलरशिप थी, उसमें से कट जाता था मैस का, ट्यूशन फी, ये फलाना, तो 50-1 रुपये बच जाते थे। और कोई ऐब नहीं था, तो इसलिए वो 50 के 50 ही जो अच्छा है पड़े रहते थे पूरे महीने जेब में, या उसमें से 2-4-5 रुपये चाय पीने में खर्च हो गए। 25 पैसे की चाय आती थी, अब तो 10 रुपये की आती है। जी, तो तो आप ऐसे कर